ब्यूटीफुल पीपल, कसं काय मंडळी, कैसा आहे पब्लिक, मजे में ना, की मजे में रहने को ही सुना की क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो मजे में रहने का एकदम जिंदगी जीने का. सो नया दिन नया ब्लॉग, कल्पक आदे लिखा है एक और ब्लॉग. सो पब्लिक, आपने मेरे को लास्ट के दो वीडियो में बहुत प्यार दिया, मतलब दिल बागम बाग हो गया. Oh my God! Wow! क्या बोल सकता, बहुत खुशी हुई. ऐसा ही प्यार बरसाते रहो, नेक्स्ट वीडियो में भी, ये वीडियो में भी, और प्यार ही प्यार दो. तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो अपन एक स्पॉट है सिंगापुर पॉइंट करके, वहाँ पर जाने वाले हैं और थोड़ा देखो पॉइंट कैसा है, मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा हम भी थोड़ी दिखाते जानते उनकी खूबसूरती. तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद. लोग सिंगापुर पॉइंट बोल के बोलते हैं. सो आओ, तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू आता है, एकदम थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, एकदम सुबह सुबह का वक्त हो और यहाँ पे और थोड़ा सा एकदम चिल लगता है. तो ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जैसे सुट्टेबाजों के लिए सुट्टा पॉइंट, लवर्स के लिए लवी डबी पॉइंट, और टिकटॉकर्स के लिए एक ज़माने में टिकटॉक पॉइंट भी था, और हमारे जैसों के लिए आँखें गर्म करो पॉइंट, और हम जैसे फूडी के लिए के फूडे वालों सॉरी फूडी के लिए भी फूडी पॉइंट. सो ये बस पॉइंट नहीं है, जान है हमारी. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. सो एक्चुअली तो आप सोच रहे होंगे क्या खुद से कैमरा लिया, आज मैंने खुद से कैमरा लिया, मैं कभी कोई लेता नहीं हूँ, पर सोचा खुद से कैमरा लूँ, थोड़ा सा खुद से बनाऊँ. तो आज अभी थोड़ा सा इस जगह का थोड़ा छोटा सा टूर लेते, देखो मेरे जगह बहुत प्यारी जगह है, छोटा सा टूर लेते हैं जगह का और तुमको दिखाते हैं कैसी है हमारी जगह, ठीक है. चलो दोस्तों, इसको आप सिंगापुर किस लिए बोलते हैं तो आप देख ही लो, ये इसकी वजह से इसको सिंगापुर पॉइंट बोलते हैं. और बस यहाँ पे सिंगापुर पॉइंट तो है ही, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे कैफेज है, तो देख सकते हो आपको लोको रोल्स एंड बियॉन्ड, तो ऐसे छोटे छोटे कैफेज है, मतलब प्यारे प्यारे कैफेज है, अच्छे अच्छे टेस्ट है. और अभी एक्चुअली बंद है इसके वजह से, अपने कोरोना की वजह से बंद है. हॉस्पिटल भी है, कैफ़े भी है, मतलब तुमको फूड पॉइजनिंग हुई, कुछ गलत हुआ, तुम हॉस्पिटल में जाओ, मज़े मारो ज़िंदगी में, और क्या कर सकते. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस. तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मॉर्शल्स है, हाउस ऑफ वेज है, तो बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है. अभी क्या है बंद थोड़े से, पर जब भी टाइम मिलेगा खुल जाएंगे, तो आप जरूर कभी ना कभी ट्राई करेंगे, इधर भी एक ब्लॉग छोटा सा बनेगा. 5 minutes later. तो अभी बहुत घूम के हो गया, अभी थोड़ा भूख भी लगी है, खाते है, और खाना मस्त है यार, कुछ भी हो किधर भी घूमो खाना मस्त है, तो खाते है, साउथ इंडियन फूड है, तो चलिए चलते वो जगह पे अपने और खाते है कुछ साउथ इंडियन फूड. So, अभी अपन आया है बालाजी में, मौसम एकदम प्यारा बन चुका है, बारिश आ रही है, और बारिश में गरम गरम खाना भी, मतलब खाना भी. सो अभी खाते टेस्ट करते, हमने डोसा लिया है और इडली वाला मिक्स लिया है, तो चलो टेस्ट करते. तो साउथ इंडियन फूड में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चटनी, तो चटनी अपने टेस्ट करते हैं आपको कैसे पता चलते. नाइस क्रीमी टेक्सचर है चटनी का, एकदम बैलेंस टेस्ट है, और नारियल वगैरह एकदम खतरनाक वाला चटनी, तो अभी टेस्ट करते हैं सबसे पहले. क्या है, जितने लोग पता नहीं था कि चंद्रपुर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे साउथ इंडियन फूड अच्छा मिलता हो, और लिटरली मैं जब मैंने इडली खाई तो मुँह में से पिघल जाती है,
और नाइस टेक्सचर है, एकदम स्मूथ बनती है, चटनी एकदम मस्त है। और थोड़ा सांभर भी टेस्ट करते कैसा है। सांभर मतलब ठीक है, ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, हर जगह ऐसा एकदम सांभर भी है, पर चटनी 10/10 है चटनी। नेक्स्ट वड़ा, सांभर वड़ा नाम दिया है, सांभर के साथ खाते तो है। वड़ा ठीक है, इतना क्रंची नहीं है जैसा क्रंची चाहिए, इतना क्रंची नहीं है पर ठीक है, अच्छा है। अभी सबसे लास्ट चीज़ है डोसा, और डोसे में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है मतलब ये करना, फाड़ना, जो सरप्राइज जैसा लगता है मेरे को, मतलब बचपन से वो आदत है, मतलब सबसे ज़्यादा बचपन से बहुत पसंद है ऐसा करना। और देखिए उसका टेस्ट करते हैं, नहीं है डोसे को नहीं क्या, हाथ से खाने में जो मज़ा है बाकी उसमें नहीं, डोसा हाथ से खाते हैं। थोड़ा आलू ले, थोड़ा चटनी और चटनी मारो, ये तो सुना था मैं जगह के बारे में। वैसे अभी डोसा है, डोसा एकदम क्रिस्प एकदम मस्त पका हुआ है, चटनी भी तो चटनी का भी टाइम, चटनी तो मेरा एकदम फेवरेट बन चुकी है। आलू की सब्जी भी अच्छी है और सब अच्छा है, बस थोड़ा वड़ा थोड़ा क्रंची नहीं है, थोड़ा सा ऐसा सौगी सौगी टाइप है थोड़ा सा था, पर ठीक है एट लास्ट सफल हुआ सब कुछ ज़िंदगी। और साउथ इंडियन फूड सुबह खाने का, हेल्दी रहने का, और अच्छा नहीं अपना अभी भाई आएगा वीडियो पे, इसको देखो और जो कर रहा है वो करो, ठीक है। समझ रहा हूँ ना। स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।